कहाँ घुस गए आप? देखो अब जो लोग ऐसे कहते हैं ना यार, सारी डेकोरेशन करके गई थी और गोलू ने वो उतार भी दी, जहाँ तक इसका हाथ गया ना उसने वो निकाल दी। देखो यहाँ पे हैप्पी 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 हो गया। बोलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी मॉर्निंग में चल रही है चाय और आज है हर्षु का बर्थडे, हर्षु सो रहा है तो हम लोग एक बार चाय पी लेते हैं, फिर हर्षु को आपके साथ मिल के उठाते हैं और उसको गुड मॉर्निंग और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। चलो फिर फटाफट से मैं तो चाय पी लेती हूँ, ऊपर मज़े आ गए। सो मैं पहले गोलू को उठाऊंगी ताकि वो भी हमारे साथ बर्थडे विश कर सके अपने भाई को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई का है, इधर देखो भाई का हैप्पी बर्थडे आज, भाई का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे भाई को। चलो उठो हमारे साथ गाना गाओ, ऐसे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। उठना पड़ेगा भाई, भाई को हैप्पी बर्थडे विश जो करना है। भाई को बर्थडे विश नहीं करोगे आप? हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हर्षु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड। अभी बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, और गोलू के साथ जल्दी गाना, गोलू निन्नु में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो हम जा रहे हैं दादू के पास। तो मैंने तैयारी कर ली यहाँ पर आज के बढ़िया से खाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो है ये डोसे के लिए बैटर रेडी कर लिया, ये रात को मैंने वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, पिघल के छोड़ दिया था। अब मैं इसको फर्मेंट करने के लिए ढक के रख देती हूँ, थोड़ी देर धूप में रखूँगी ताकि थोड़ी जल्दी फर्मेंट हो जाए ये, ठीक है। और इसके बाद अब मेरे को करने हैं यहाँ पे बर्तन वॉश, तो फटाफट से मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ और फिर थोड़ी सी नॉर्मल क्लीनिंग करनी है, जो मैस दोबारा गिरा है उसको साफ करूँगी, ठीक है। कहाँ घुस गए आप? खाने की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है और यहाँ बैठा है हमारा बर्थडे बॉय, तो अब फटाफट से इसको रेडी करना है। हम लोग सोच रहे हैं कि आज ना भाई, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कैसे ही हर्षु की डिलीवरी हुई है और मैंने पूरी प्रेगनेंसी क्या क्या झेला है आप लोगों को सब कुछ पता है, तो इसीलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हम लोगों ने सोचा है, मैं तो मॉर्निंग में एक बार मंदिर होकर आ चुकी हूँ, बट वी डिसाइडेड कि हम लोग बच्चों को लेकर एक बार से फिर से श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे। तो फटाफट से मुझे इसको रेडी करना है और इसको रेडी करके हम लोग अब फिर मंदिर जाने के लिए एक बार तैयार होते हैं, फटाक से मंदिर जाके और फिर आएंगे। फिर पहले इसको रेडी कर देती हूँ बर्थडे बॉय को। तो गाइज यहाँ पर हर्षु रेडी हो गया है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप लोग देख सकते हो।
बर्थडे बॉय इज रेडी. बर्थडे बॉय, आप बर्थडे बॉय हो, करो डांस करो. गाइस यहाँ आ गई हूँ मैं आलू की पिट्ठी की तैयारी करने. आलू बॉईल करके रखी है, ये 7 से 8 आलू हैं. इसमें मैंने मतलब ये 2.5 बड़े साइज की प्याज काट करके डाली हैं और इसको अच्छे से सॉटे करना है. ब्राउन शेड आने तक इसको पकाना है. टमाटर अगर अच्छा है तो बिल्कुल भी ना डाले, वरना बिल्कुल एक छोटू सा टमाटर एक डालना, ठीक है. क्योंकि इसमें मैं आमचूर डालने वाली हूँ, हर किसी का अपना टेस्ट होता है तो हमें इसमें आमचूर का टेस्ट. पर इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, एक ही टमाटर डाला. इसके बाद अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ. मसालों में सबसे पहले जाएगी हल्दी, देन जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, जाएगी लाल मिर्च. मिक्स करेंगे अच्छे से. अब इसमें हम इसकी डाल देते हैं अदरक अनुसार डालेंगे, ठीक है. और अब इसको अच्छे से मैश करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है. तो ये आलू की पिट्ठी तैयार है. एक से दो मिनट के लिए इसको प्रॉपर पकाया बिल्कुल सेम गैस पे, ठीक है. और उसके बाद आपके आलू की पिट्ठी तैयार है. हल्का सा पानी डाल के इसको, हल्का सा पानी डाल के छोड़े 2 से 3 के लिए, जब तक पानी सूखे जब तक इसको कर देता है. यहाँ मेरी आलू की पिट्ठी के छोड़ देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, और अब मैं इसको समेट देती हूँ फटाफट से. मैं पूरी तैयारी कर आई हूँ, बस मुझे थोड़ी सी स्किन केयर तो मैं कर चुकी थी मॉर्निंग में, थोड़ी सी शक्ल से ही करूँगी क्योंकि बहुत बुरी है 10 मिनट रेस्ट करने के बाद, ठीक है. और हल्के और गोलू वहाँ पे खेल रहे हैं आराम से, उन्हें बैठ के खेल रहे हैं दोनों. तो मेरे को करना है थोड़ा सा खेलना है, सॉरी मेरे को खेलना नहीं है, मुझे खाना बनाना है. अब जस्ट दोस्त से उतारने रह रहे, मैंने पूरी तैयारी कर ली है. तो फटाफट से मैं थोड़ी देर रेस्ट करके, देन जिन्होंने भी हर्ष को विश किया है उनको थैंक यू सो मच सभी को, यहीं बोल देती हूँ मैं. अगर एक आधे किसी का रिप्लाई करना रह जाए तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम है आज मेरे पास, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करना, ठीक है. तो अब वो मैं फटाफट से थोड़ी पूरियाँ सुधारूंगी या पहले खाना बनाऊंगी वो मुझे भी नहीं पता. चलो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं. मैंने इस डोसे का क्या हाल बना लिया पता है, ये उन लोगों को ना इस पिट्ठे निकाल निकाल कर लगा लगा के खिलाना पड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल ही ऐसा कहते हैं खिला रही हूँ मैं. हर्षु को भी खा रहा है, गोलू भी खा रही है, होप हर्षु. हाँ हाँ देता हूँ वेट करो. लो आ ओ बड्डे बॉय खा जा. चलो मैं इनको खिला के फिर आप लोगों से बात करती हूँ. खेल रहे हैं, यहाँ डोसा बन रहा है. और एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ, अगर आपका भी बैटर कभी ऐसा हो जिससे कि आपके सारे डोसे इस तरीके से टूटे तो उसके लिए आप अपने डोसे के बैटर में बेसन मिला सकते हैं. रेडी नाउ, और मैंने अपना थोड़ा सा थोपड़ा भी सही कर लिया. फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, फटाफट हम लोग जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं गोलू? हम जा रहे हैं बाबा के पास, बाबा के पास, पापा के पास. श्याम बाबा के पास जा रहे हैं हम, बाबा के पास. हाँ तो आप क्या बोलोगे बाबा को, क्या बोलोगे बाबा को? हम मंदिर लास्ट मतलब पहुंच गए, ऑलमोस्ट सामने हमारे मंदिर है. चलो फिर हम दर्शन कर लेते हैं, फिर आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं. चलो हाथ जोड़ो,
सो गाइस मंदिर से आने के बाद हम लोग लिटरली सो गए थे और अब शाम के बजे हैं 5:05 बजे. मैं उठी थी और बच्चों को मैं नीचे छोड़ कर आई हूँ. लाइट नहीं है इसलिए आपको लाइट का थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा होगा. रूम मेरा बहुत मैसी करके गए हुए हैं, सारे टॉय गिरा गए हैं. वो लोग अभी नीचे हैं. मैंने यहाँ पर तैयारी कर रही थी, मैं दिन में जो बनाया था वो सब तो बनाया था. अब मैं मटर पनीर की तैयारी कर रही हूँ. तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने पनीर फाड़ के रखा है और ये हो जाएगा सेट एक बार. उसके बाद फिर मैं मटर वगैरह छील लेती हूँ, तब तक के लिए टमाटर वगैरह, और देन बनाऊंगी एक बढ़िया सी पनीर की सब्जी. देन देखते हैं उसके बाद फिर केक कटिंग वगैरह का क्या करना है क्या नहीं. और यहाँ पर बर्थडे बॉय की दादी, उसको घुमा रही है उसके स्ट्रॉलर में. और यहाँ पर इसकी मस्तियाँ तो जा रही है, यहाँ पर ये मस्तियाँ कर रही है और वहाँ पर अर्शु घूम रहा है फटाफट से. तो इसी के साथ मैं इसको मैं ना सब्जी तो छोड़ के आई हूँ, अब मुझे लगाना फटाफट से आटा. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो. नाउ यू कैन सी मैंने ऑलमोस्ट पूरा रूम क्लीन कर दिया है. बस ये कपड़े जो है वो जस्ट मैं अभी उतार कर लाई हूँ, तो इनको भी अभी तय करूंगी. पहले मैं हर्षु की डेकोरेशन कर देती हूँ. देन यहाँ से भी सब उठा दिया है. नीचे फर्श पे आप देख सकते हो, तो कुछ नहीं गिरा. टेडी भी अपनी जगह पे है, हर चीज अपनी जगह पे है ना. और अब गुल्लू के आने के बाद अब थोड़ी देर बाद देखना फिर से इस रूम का क्या हाल होने वाला है. मैं क्लीन कर करके थक जाती हूँ लिटरली भाई. वो बंदी की राख ही नहीं थकती. आप एक बार साफ करोगे, दो बार साफ करोगे, तीन बार साफ करोगे, चार बार साफ करोगे, पांच बार साफ कर लोगे यार, बट पूरा दिन भाई मेरे अंदर इतनी जान नहीं कि मैं पूरा दिन लिटरली सफाई में मंडी रहूं. तो आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हो वो मुझे कमेंट करके बताना. तो चलो फटाफट से हर्षु के लिए डेकोरेशन कर लेते हैं. ऑल ओवर डेकोरेशन जो मैंने किया, मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली, बस इतना ही करने वाली हूँ. तो बस ये हो गया और ये वापस आ गई. क्या है तेरे, क्यों ड्रामे हो रहे हैं अब? और उसको देखो वो इतनी देर में चढ़ गया ऊपर. इसका शुरू हो गया पानी खिलाना. सबसे पहले अब ये मटके में से पानी निकाल रहे हैं, देखो ठीक है. अब इसका हाथ नहीं जा रहा है तो अभी देखना ये क्या करेगी. आप लोग बोलते हो ना कि बच्चे तो कुछ भी नहीं करते, काम तो करना पड़ता है. अब देखना इसको पीना वीना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इसको पानी पीना होता है तो ये मुझे बोल देती है कि फेंक दिया, ठीक है आप उसमें से पानी निकालेगी. उसको पीना होता है तो वो मुझे बोलती है कि मेरे को पानी पीना है. शी हैज टू स्पीक, सॉरी, मतलब ये बोल लेती है बहुत अच्छे से. और देखो उसने पानी निकाल लिया, उसको मिला नहीं मिला पता नहीं. आज मैंने उसमें पानी नहीं भरा था. ओए देखो देखो, अब जो लोग ऐसे कहते हैं ना यार, बच्चे तो भगवान का रूप होता है. देखो यू कैन सी ये क्या ही करिए, आपको क्या चाहिए. वो गिरा दिया उसने वहाँ पे, ठीक है ये गिरा भी दिया इसने अपने पैर पे. और उसको मटका भी देखो कंडीशन. अब वो देखो, अब वो उसको सही कर जा रही है, जो कि वो पूरा गिरा देगी, ठीक है. इसने अपनी तरफ से कर दिया. छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे, बख्श दे, बख्श दे हमारे घर के सामान को. अब ये पानी पिएगी, जितना पिएगी बाकी गिराएगी, मुझे पता है. इसने यहाँ पे सारा पानी गिरा दिया और मेरा गद्दा भी भिगो दिया. चाटा लगाना पड़ेगा आपको, तो छोड़ो इस पानी को, चलो नीचे. सारी डेकोरेशन करके गई थी और गोली ने वो उतार भी दी. जहाँ तक इसका हाथ गया ना, उसने वो निकाल दी. देखो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लगाया था, हैप्पी बर्थडे उड़ा दिया. साइडों में बलून थे, वो बलून उड़ा दिए, सब खराब कर दिया. बस ऊपर के 3-4 बलून रहते हैं, इनको ठीक करो. तो बस अब इनको नीचे लेके जाऊंगी केक कटिंग के लिए. मैं नहीं होने वाली रेडी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं, जो भी होगा इन लोगों को होगा, तो यही हम मस्ती करने वाला है. तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं. बोलो ऐसे पूछो, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है गोलू. हैप्पी हो गया चलो करो.
दादू को हाथ लगाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हर्षु, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे घर से देख रहे हैं क्या ही देख रहा है। बर्थडे टू मैं पनीर की सब्जी और रोटी जो हमने आज बनाई है, और ये मेरे पति देव खा के बताएंगे कैसी बनी है। तो बताओ कैसी बनी है सब्जी, ऊपर देखो शक्ल तो दिखाओ। ये मेरी पनीर की सब्जी, उधर बर्थडे बॉय जो है वो फ्रूटियों पे टूट टूट के पड़े हुए हैं दोनों भाई बहन, इधर वो और उधर वो, दोनों के दोनों बड़े मजे से खेल रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था ना जैसे ही गुलू रूम में आएगी वैसे रूम का सेम हाल बना देगी, तो देख लो फिर इसने सेम हाल बना दिया है। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं खाना खा के बात करती हूँ आप लोगों से। भाई अपने बर्थडे की पार्टी इंजॉय करते हुए बर्थडे पर देखो अब ये फ्रूट पिएगा, तो ये अपने बर्थडे की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अपने बर्थडे पार्टी की फ्रूटी एंजॉय करते हुए हर्षू। और अब तेरा बर्थडे खत्म होने वाला है और एक घंटे में खत्म हो जाएगा। तो गाइस आज हर्षू का बर्थडे हमने मनाया कुछ इस तरीके से, आप लोगों ने पूरा देखा। और बस अब रात के बजे हैं 11, तो अब हम लोग जाएंगे सब सोने के लिए। इन लोगों का नहीं पता ये लोग कितने बजे तक जागेंगे, तो तब तक मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती। तब तक के लिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं से। आपसे मिलूंगी जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में बढ़िया से वीडियो और ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। देखो इसकी रोटी खत्म होगी तो भी रोने लग गया क्या। ये ले ले, ये वाली ये ले लो, ये नहीं मम्मा वाली ले लो, मम्मा की ले लो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम।